तो यहाँ पे देसी मुर्गा पकड़ा जा रहा है। तो ये भाई साहब ने यहाँ पे देसी मुर्गा पकड़ लिया, तो इस तरह से इनको यहाँ पे पकड़ा जाता है। तो पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको वेट करने के लिए ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुर्गे का ना वेट किया जाएगा। तो भैया ये बताइए कि ये वेट के हिसाब से दिया जाता है और प्राइस क्या रहता है? 700 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है और जितना वेट होगा उसी के हिसाब से इसका प्राइस बन जाएगा। वेट करने के बाद मुर्गा जो है यहाँ पे लाके इसकी कटिंग की जाएगी, तो उसके बाद इसको गर्म पानी में बॉईल किया जाएगा। तो भैया इसको बॉईल क्यों किया जाता है? इसको पानी में इसलिए बोला जाता है कि जो इसके फैदर है वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और अंदर की स्किन थोड़ी शाइन करके निकलती है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे गर्म कर लिया जाएगा, उसके फैदर उतार के इसकी अच्छे से साफ सफाई करके इसको बनाया जाएगा और इसको अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ साफ करके हम लोग अभी इसकी कटिंग करेंगे। अभी मुर्गे को साफ कर लिया गया है और छोटे छोटे इसके पीस कर दिए गए हैं। जो लेग्स है उसके अंदर छोटी छोटी कट कर दिए गए हैं क्योंकि जो मसाला जो भी है इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। अभी हम लोग इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो भैया ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? ऑयल सरसों का यूज़ किया जाता है। तो मतलब गाइस देसी मुर्गा होने वाला है और तेल जो है वो भी देसी यूज़ किया जाएगा। प्योर देसी तरीके का मुर्गा जो है ये बनने वाला है। तो गाइस मुर्गे की कटिंग करने के बाद, कढ़ाई को गर्म करने के बाद यहाँ पे प्याज जो है वो डाला जाएगा। तो भैया क्या क्या डाला जाएगा इसमें? इसमें पहले जीरा ऐड किया जाएगा, उसके बाद इसमें दालचीनी और हरी इलायची ऐड की जाएगी। हरी इलायची ऐड करने के बाद इसको प्याज को इसमें डाल दिया जाएगा। जब जो अच्छी तरह से भून गया अभी इसको प्याज डाल दिया। भूनने में कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट इसके लगाएंगे हम लोग। दालचीनी और इलायची जो है, हरी इलायची आपने डाली है वो चिकन में नहीं डाली जाती, तो आप ये क्यों यूज़ करते हो ये बताइए। दालचीनी डालने के बाद जो चिकन की चर्बी की स्मेल होती है वो नहीं आती, कि जो टेस्ट रहता है वही इसका आएगा, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी जो प्याज है वो अच्छी तरीके से भून चुका है और अभी इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस प्याज जो है वो अच्छे से भून चुका है और अभी इसमें जो है चिकन ऐड किया जाएगा। अभी इसके बाद भैया क्या क्या आएगा इसमें? इसके बाद अभी इसमें जो मसाले हैं वो डाले जाएंगे। नॉर्मली देखा जाता है कि तड़के के अंदर ही सब मसाला डाल दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्याज और हरा मिर्च में इसको भून दिया जाता है, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बाकी के मसाले इसमें बाद में ऐड करेंगे। इसमें अभी हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि हम लोग बाद में डालते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि ये सबसे पहले इसी को डाला जाता है, लेकिन हम लोग इसको मसाला जब प्याज और ये सब भून जाएगा उसके बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो भैया अभी इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? इसको कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। तो यानी कि देसी मुर्गा बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो इसको बनने में अभी कम से कम आधा घंटा जो है लगने वाला है क्योंकि इसको गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हाफ कुक होने के बाद अभी हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड किया गया है, उसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें देगी मिर्च डाला जाएगा जो कलर अच्छा बन जाए। देगी मिर्च बनने के बाद इसमें मीट मसाला डाल दिया जाएगा 2 स्पून। तो 2 चम्मच इसमें डाल दिया गया है जी, लास्ट में मीट मसाला डाल दिया गया है। तो अभी भैया और कितनी देर तक पकेगा? अभी 5 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड किया जाएंगे, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुर्गा बनके तैयार होने वाला है, उससे पहले हम लोग इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे पानी जो है थोड़ा पानी ऐड किया जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो उसके बाद लगभग 10 मिनट के अंदर जो है हमारा चिकन जो है बनके जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से ढक दिया जाएगा। नीचे से गर्मी से बाफ बनती है वो इसके अंदर अंदर रहती है और वही बाद में पानी मल के चिकन के अंदर मेल्ट हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा देसी मुर्गा बिल्कुल बनके जो है तैयार हो चुका है। तो अभी इसको प्लेट में डाल के सर्व किया जाएगा। ये बनके पूरी तरह से रेडी हो गया, एकदम रेडी हो गया। जो पहले इसमें पानी ऐड किया था, पानी और सब जो भी मसाले इसमें डाले थे सब मेल्ट हो गए। अभी देखो ये ग्रेवी के टाइप में हो गया है, एकदम रेडी हो गया चिकन। तो पानी जो है पूरी तरह से ग्रेवी बन चुका है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा देसी चिकन देसी मुर्गा जो है बनके हो चुका है जी तैयार। सर बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, हम हफ्ते में 1-2 बार इधर पक्का आते हैं, हमारे आसपास की जो भी शॉप्स हैं सबसे बढ़िया टेस्ट इनकी दुकान पे मिलता है जी, ये बहुत ही बढ़िया बना है। तो भैया अपना एड्रेस बता दीजिए, अगर किसी ने आना हो तो कहाँ पे आ सकता है? ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के तहसील अजनाला में विलेज गगोमाल पड़ता है। शॉप का नाम विशाल मीट शॉप है और जो डेरा बाबा नानक कॉरिडोर वाला रोड आप पकड़ के अमृतसर से लेके चलो तो रास्ते में आपको 30 किलोमीटर के बाद हमारा गांव मिलेगा। तो गाइस अगर आप भी विलेज स्टाइल देसी मुर्गा ट्राई करना चाहते हैं या देसी मुर्गा खाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल देसी तरीके से बना हुआ, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो विशाल मीट शॉप में आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज फूड फाउंडर को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। उसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फूड फाउंडर।